दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद आज मॉनसून पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात में पहुंचेंगे, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गंगा में नहीं पाए गए कोरोना वायरस के निशान, रिसर्च के बाद नदी कोविड फ्री घोषित। सरकार ने फिर दी चेतावनी, लोग रहे सतर्क, अभी खत्म नहीं हुई है कोरोना की दूसरी लहर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री का संभाला कामकाज, समीक्षा बैठक भी की। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कोरोना की दूसरी लहर और प्रतिबंधों में छूट के बाद लोग छुट्टियां और गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर जाते दिखे। मसूरी, मनाली, नैनीताल में सैलानियों का तांता लगता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मसूरी के प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सैलानियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अब अनिवार्य कर दी है। दरअसल कोरोना दूसरी लहर में धीमी होने के बाद ज्यादातर सभी राज्यों में प्रतिबंधों से मुक्ति मिल गई थी, वहीं लोग छुट्टियां और गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन पर निकलते दिखाई दिए। बीते दिनों मसूरी, नैनीताल, मनाली के कई तस्वीरें सामने आई जहां सैलानी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। एक और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तनाव बना हुआ है, वहीं लोग अब बेपरवाह होकर और लापरवाही बरतते हुए बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखे हिल स्टेशन पर घूमते नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक तस्वीर मसूरी के कैंप्टी फॉल की भी वायरल हुई थी, जहां लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मसूरी में प्रवेश करने वाले सभी सैलानियों को कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना अब अनिवार्य कर दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वह मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। 11 जुलाई को वह शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और एक पुस्तकालय और नगर निकाय केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही अहमदाबाद शहर में और उसके आसपास जल वितरण परियोजना और एक सामुदायिक हॉल और एक नगर निकाय अधिकारियों द्वारा निर्मित एक वार्ड कार्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन भी वो करने वाले हैं। गंगा नदी में कोरोना वायरस के निशान नहीं मिले हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंसेज, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया है। 2 महीनों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने नदी को कोविड फ्री घोषित कर दिया है। उन्होंने वायरस की मौजूदगी को गोमती नदी में सितंबर 2020 और इस साल 21 मई को पाया था। बीएचयू में जीव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक गंगा में कोरोना वायरस के संभावित अंशों की जांच के लिए दोनों संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने 7 सप्ताह तक हर सप्ताह 2 सैंपल यानी 15 मई से 3 जुलाई तक वाराणसी शहर से इकट्ठे किए। साथ ही आरएनए निकालकर सभी सैंपल का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया गया। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंसेस के वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट में कोविड लैब में प्रमुख नीरज राय के हवाले से यह जानकारी मिली है कि हैरानी की बात है कि गंगा से इकट्ठे किए किसी भी सैंपल में वायरस आरएनए के निशान नहीं दिखे हैं। हालांकि गोमती नदी से बटोरे गए सैंपल में वायरस आरएनए की मौजूदगी दिखाई दी है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या में आज पहले से गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होता अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43,393 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 911 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले बुधवार को 45,892 केस सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 44,291 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो कल 1,977 एक्टिव केस घट चुके हैं। 8 जुलाई तक देश भर में 36 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 40,23,000 टीके लगाए गए, वहीं अब तक करीब 42,70,00,000 कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 18,00,000 कोरोना सैंपल का टेस्ट किया गया, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से भी कम आंका गया है।
राजधानी दिल्ली में 13 दिन की देरी के बाद आज मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों के दौरान ऐसा पहली बार है कि दिल्ली में मॉनसून इतनी देरी से पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि 15 सालों का इस बार रिकॉर्ड टूट चुका है, जब 15 सालों के बाद दिल्ली में मॉनसून इतनी देरी के साथ पहुंच रहा है। आमतौर पर दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। आईएमडी के एक वक्तव्य में कहा गया कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। इससे पहले 2012 में मॉनसून 7 जुलाई को दिल्ली में पहुंचा था, जबकि 2006 में मॉनसून ने 9 जुलाई को राजधानी में दस्तक दी थी। यूपी के कई इलाकों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हुए नामांकन में जमकर बवाल हुआ। साथ ही बुलंदशहर के शिकारपुर ब्लॉक प्रमुख की रालौद प्रत्याशी मोनिका सिंह को पुलिस ने घर से उठा लिया। प्रत्याशी को जबरन उठाकर ले जाने पर पुलिस का विरोध करते सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए। बता दें कि ग्रामीणों के हंगामे का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं रालौद प्रत्याशी मोनिका सिंह को पुलिस ने काफी देर बाद छोड़ा। इस पूरे मामले में भाजपा के राज्य मंत्री अनिल शर्मा के करीबी पर प्रत्याशी को उठाने का आरोप लगा है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसा था, मैं तो घर में काम कर रही थी जी। और एक सम पुलिस वाले आदमी आए, लेडीज पुलिस थी, मुझे धमकी देने लगे, जबरदस्ती बाजू खींची मेरी, चलो चलो, मुझे गाड़ी में बैठा लिया। घर में पैसे भी थे, दुकान में थे 10 लाख रुपए, मैं उन्हें लेने जा रही थी, उनको भी ले गए उन पैसों को, बदतमीजी कर। आजमगढ़ जिले के वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन की एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें विद्यालय के अविलंब खोलने की चर्चा की गई। और इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना की स्थिति हमारे प्रदेश में सामान्य हो गई है, सरकार द्वारा समस्त गतिविधियों को चालू कर दिया गया है, ऐसे में विद्यालयों को खोलना आवश्यक है। जहां एक तरफ विद्यालय प्रबंधन आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वहीं अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी परेशान नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के नए खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस ने उत्तर प्रदेश के लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। राज्य में कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट के संक्रमित 2 नए मरीज मिले हैं और इसमें से एक की मौत भी हो चुकी है। दूसरा मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो चुका है। फिलहाल इन दोनों के संपर्क में आए लोगों समेत करीब 100 लोगों से ज्यादा की नए वेरिएंट नहीं मिला है। इसी को लेकर पीआईजी के डायरेक्टर आर के धीमन ने बताया कि ये जो तीसरी लहर है, इसको आने में लगभग 2 से 3 महीने फिलहाल लग सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डेल्टा प्लस है, ये एक तरह का वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम तब कहते हैं कि जब कोई वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि इंट्रैक्टिविटी ज़्यादा हो और उसके जो है विरुलेंस ज़्यादा हो, जिससे कि वो सीवियर डिजीज़ करता हो, या वैक्सीन एक्सकेप हो यानी कि वैक्सीन की जो सामर्थ्य है वो कम हो जाती है उसमें। तो डेल्टा प्लस जो है, अभी तो ये वायरस आया ही आया है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, जबकि जो डेल्टा वायरस था वो उसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें मिलती थी। अगर डेल्टा प्लस के जो 2 केस आए हैं, ये मई सैंपल जो है मई के पहले हफ्ते में लिया गया था और अभी रिपोर्ट आई है, तो उससे देखने से तो लगता है कि पूरा मई निकल गया, जून निकल गया है, जुलाई भी जो है आज 9 तारीख है, तो लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा केसेस अभी जो हैं नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है कि इसको थर्ड वेव आने में, अगर डेल्टा प्लस की वजह से आती है, तो अगले 2-3 महीने। कानपुर में अवैध ढंग से पनप रहे सूदखोरी के धंधे पर लगाम लगाने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कमर कस ली है। बता दें कि पुलिस कानपुर के केडीए, नगर निगम, गन फैक्ट्री, ऐसे कई सरकारी संस्थान जिसमें छोटे कर्मचारी को सूदखोर अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठते हैं। ऐसी सरकारी संस्थाओं में अब पुलिस सूदखोरों को चिन्हित कर कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है।
वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि कानपुर में अवैध सूदखोरी के बढ़ते व्यापार पर लगाम लगाने के लिए तैयारी की जा रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग आज, 776 पदों के लिए आज होगा मतदान। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जा रहा है, वहीं दोपहर 3 बजे के बाद से शुरू होगी मतगणना। 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं, बीजेपी के 318 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव की आज वोटिंग की तिथि आ चुकी है। आपको बता दें कि आज वोटिंग की जानी है 476 पदों के लिए, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये मतदान किया जाना है, वहीं 3 बजे के बाद से मतगणना को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं, जिसमें से बीजेपी के 318 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। आगरा में जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस नेत्री और कैदी की पत्नी द्वारा जिला जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। बता दें कि 12 अप्रैल को एक कैदी बीमार था, जिसके बाद उसे 16 अप्रैल को वैक्सीन लगाई गई थी। कैदी ने 12 अप्रैल को ही चिट्ठी भेजकर अपने बीमार होने की बात बताई थी। वहीं इलाज के दौरान कैदी रवि खंडेलवाल की कोरोना से मौत हो गई। जी, मेरे पति पिछले 8 साल से एक झूठे मुकदमे में आजीवन की सज़ा काट रहे थे, और मेरी शिकायत ये है कि मेरे पति की जेल में साजिशन हत्या की गई है। उनको 12 तारीख को मेरे हस्बैंड का मुझे लेटर मिला था कि उनको फीवर आ रहा है, लगातार बुखार आ रहा है, दवाई खाते हैं तो वो बुखार उतर जाता है, फिर आ जाता है। उसके बाद 16 तारीख को जब उन्हें बुखार आ रहा था तो कोविड की वैक्सीन क्यों लगाई गई, वो लेटर और वो सर्टिफिकेट जो उनको वैक्सीन लगी है, दोनों इन पेपर के साथ मैंने लगाए। मेरे जेल प्रशासन से सवाल ये है कि जब बुखार था तो उनको वैक्सीन क्यों लगाई, इसका जिम्मेदार कौन है। तब उसके बाद भी उन्हें बुखार आता रहा, कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो जेल प्रशासन ने हमसे झूठ क्यों बोला। मेरी लास्ट 26 तारीख को सुप्रिटेंडेंट साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो ठीक थे तो फिर 27 अप्रैल को उन्हें SN मेडिकल। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर उस वक्त छावनी में तब्दील हो गया जब भीम आर्मी और आजाद समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी शिकायतों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन किया गया था, जिसमें नामांकन पत्रों में खामियां मिलने पर उनको रद्द किया गया, जिसको लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और अपनी शिकायतों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सहारनपुर प्रशासन पर आरोप लगाया है कि सहारनपुर प्रशासन सरकार के दबाव में आकर बीजेपी को छोड़ अन्य सभी पार्टी के नामांकन को रद्द कर रहे हैं। देखिए, ये मामला खाली सहारनपुर का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का है। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार लगातार लोकतंत्र को खत्म करने पर लगी हुई है, या मैं ये कह दूं कई सालों से जो बीजेपी के MPs के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जो स्टेटमेंट आते हैं कि जल्द संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, इस चुनाव में वही प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, सब सारे चुनाव जो हैं वो प्रशासन के साथ मिलकर के लोकतंत्रपूर्ण नहीं हो रहे हैं, यही हमारा विरोध है। कल हमारे भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव महोदय, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख का पर्चा नामांकन भरने गए थे, तब उन पर 100 से 150 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हमारा सवाल यह है कि जब देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, तो इस प्रकार के हमले क्यों? अगर यही तानाशाही चल रही है, यही तानाशाही चलती है, तो मैं खुले शब्दों में बता दूं कि भीम आर्मी पलटवार करती है, और इस बार भीम आर्मी राजनीतिक तौर पर पलटवार करेगी।
सहारनपुर में रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर आरोप लगा है कि उन्होंने इंजेक्शन लगाने के बाद एक महिला उनके इंजेक्शन लगाने के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं रेलवे हॉस्पिटल में मृतक महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और कहा कि गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो चुकी है। बता दें कि महिला रेलवे हॉस्पिटल में दवाई लेने आई थी, जिसके बाद डॉक्टर द्वारा उसको दवाई देने के बाद वार्ड में इंजेक्शन लगाया गया। वहीं तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से महिला की मौत हो गई। माता जी की कल की तबीयत खराब हो रही थी, हाथ तो पैर में दर्द बता रही थी, कह रही दवाई लेकर आनी। मैंने कहा चलो, यहाँ पे आए, इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उनके मुंह से झाग गए, हाथ पैर मुड़कर उनकी डेथ होगी और फिर कहने लगे यहाँ से रेफर कर दे। यही पे रेलवे हॉस्पिटल इलाज कुछ नहीं, वैसे ही तबीयत खराब हो जाती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, कोई पर्सनल वो बीमारी नहीं थी, कोई कि मतलब कोई बीमारी लगी हुई ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई शुगर ना हार्ट की कोई दिक्कत नहीं थी। शारदा नगर डॉक्टर की लापरवाही से ये नहीं बता रहे कौन सा इंजेक्शन लगाया, क्या लगा, क्यों लगाया, कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया। इंजेक्शन महिला का इलाज चल रहा था, सांस की मरीज थी और घुटने में दर्द रहता था, इसलिए तो सांस फूलता रहता था अक्सर, ये आती रहती थी। तो इस बार ये आई, हमने एक महीने की दवाई इसको प्रिस्क्राइब कर दी, इंजेक्शन डेरिफेलिंडाकोडोन प्रिस्क्राइब कर दिया। यहाँ वार्ड में आई तो वार्ड में इंजेक्शन लगवाया तो कोलैप्स कर गई यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आकर के देखा तो ये इसका पल्स काफ़ी कम थी, बीपी का फॉल हो रखा था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो इसको ऑक्सीजन लगाई और आईवी ड्रिप चढ़वाया, ठीक है, और सीपीआर दिया इनको, इंजेक्शन दिया। लखनऊ के लोकबंधु चिकित्सालय में सभी चिकित्सकीय सेवाएं ठप हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनमाने तरीके से स्थानांतरण के विरोध में लोकबंधु चिकित्सालय में डॉक्टर सहित समस्त स्टाफ ने 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया। वहीं कार्य बहिष्कार करते हुए स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष भी व्यक्त किया। चिकित्सालय में ओपीडी सहित समस्त विंग में अचानक हुए कार्य बहिष्कार से भर्ती मरीजों सहित ओपीडी में आए मरीजों के इलाज कराने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद में गोली चल गई। जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे ने अपने चाचा को गोली मार दी। गोली चाचा के पेट में लगी, जिसके बाद चाचा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे बड़े पापा को गोली लगी है, गोली मारने वाले बिपिन सिंह हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बिपिन सिंह जानकर गोली मारे हैं और हमारे बड़े भाई थे। सामूहिक बंटवारा हो रहा था, सामूहिक बंटवारे में उन्होंने गोली मार दिया। ग्राम सभा चाचिकपुर से 2 मरीज, संभवतः उनको गोली लगी हुई है, उनके परिजनों द्वारा ऐसा बताया गया है, वो जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। उनका प्राथमिक उपचार करके और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया है ताकि पता चल सके उनके शरीर में अभी गोली मौजूद है या नहीं है। अगर गोली मौजूद है तो उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा सर्जन द्वारा, अगर नहीं निकल पाती है तो हो सकता है उन्हें हायर सेंटर के लिए रिफ़र भी किया जाए। मरीज की स्थिति अभी ठीक है, ऐसे खतरे के बाहर। कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी के अथक प्रयासों से एक बार फिर विधानसभा में आम जनमानस को बड़ी राहत मिलने जा रही है। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत कर बताया कि दादानगर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर समानांतर पुल को उत्तर प्रदेश सदन में याचिका लगाकर और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर पुल को आम जनमानस के हित में स्वीकृत कराने का कार्य किया गया है। खुशी है कि हमारे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में जब से मैं विधायक बना लगातार जूझते हुए काम करने का मेरा स्वभाव, और पिछले 4-4, 5-5 वर्षों से जो लंबित पुल थे, ऐसे मैंने 2 अरमापुर पुल और नौरैया खेड़ा के पुल को आज बिल्कुल निर्माण पूरा करा लिया, जनता को समर्पित करने की ओर महीने 5-15 दिन में अग्रसर हो रहा हूँ। उसके अलावा 2 पुल मैंने पनकी में पावर प्रोजेक्ट से पास करा करके उस पर निर्माण प्रारंभ हो गया है। और मुझे जो सर्वाधिक खुशी है कि गोविंद नगर का एक पुल जो दादानगर में पुल है, एक तरफ पुल बना हुआ है, दूसरी तरफ रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके कारण से लाखों लोग
ईंधन का भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है। ड्यूटी में लोग, लाखों लोग अपने औद्योगिक क्षेत्र में ड्यूटी में जाने में उनको विलंब होता है, उनकी ड्यूटी आवर कटते हैं, उनको नुकसान होता है, एम्बुलेंसें फंसती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और जरौली, दबौली, गुजैनी, रतनलाल नगर, रविदासपुरम, सेवाग्राम कॉलोनी, इन सारे दक्षिण क्षेत्र के लगभग 2 लाख लोगों की कनेक्टिविटी उत्तर क्षेत्र से। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच की जा रही है। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दिनेश नाम का युवक जुआ गांव में दुकानदार कमल निगम के पास गया था। पैसे के लेन देन में कोई विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी दुकानदार कमल ने ग्राहक दिनेश के साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। एक वीडियो फफूंद थाना क्षेत्र के जुआ गांव के मामले को लेकर के प्रकाश में आया था, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जांच पड़ताल की, तो मामला इस प्रकार पाया गया कि एक कोई दिनेश नाम का व्यक्ति था जो बैग लेने के लिए एक कमल निगम नाम के व्यक्ति के दुकान पर गया था और वही कुछ पैसे के लेन देन को, ख़रीदारी में पैसे के लेन देन को लेकर के कुछ तूतू में इन दोनों में हो गई। तभी दुकानदार ने जो है वो इस ग्राहक को के साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था और पुलिस ने उसको संज्ञान लेकर के इसका FIR पंजीकृत की है और आरोपी को जो है वो उचित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई। गोरखपुर के SSP का फर्जी फेसबुक और व्हाट्सएप बनाकर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SP दिनेश प्रभु ने अपने ट्विटर हैंडल से 2 घंटे में 2 ट्वीट करके फेसबुक और फर्जी व्हाट्सएप आईडी होने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि व्हाट्सएप की फर्जी आईडी के जरिए पैसे की मांग की जा रही है, यह साइबर अपराधी हैं। इन लोगों से सभी को सावधान रहने की फिलहाल जरूरत है। करना चाहता हूं, ये अपने मेरा पर्सनल फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप, ये ट्विटर आईडी हैक नहीं हुआ है, बट एक फर्जी आईडी बनाया गया है कि मेरे नाम लगा के व्हाट्सएप में किसी और के नंबर पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर लगा के मेरे दोस्त एवं परिचित लोगों से हम कष्ट में हैं, हम इमरजेंसी में हैं, ऐसे करके पैसे मांगने की कोशिश हुई है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया है, मैं तत्काल साइबर थाने को कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन भेज दिया है, उसमें प्रथम दृष्टया इंक्वायरी चल रही है, जल्दी से। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।